नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। बद्रीनाथ विधानसभा में आज थमेगा प्रचार प्रसार। दूरस्थ इलाकों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 10 जुलाई को होगा मतदान। उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। बद्रीनाथ विधानसभा में आज थमेगा प्रचार प्रसार। दूरस्थ इलाकों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। 10 जुलाई को होना है मतदान। तो उत्तराखंड में 10 जुलाई को 2 सीटों पर मतदान होना है। मैंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रचार प्रसार आज खत्म हो चुका है। चमोली से इस वक्त की अहम जानकारी। प्रचार प्रसार के खत्म होने के साथ ही साथ अब चुनाव को लेकर उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। 10 जुलाई को मतदान होना है और उसके बाद 13 जुलाई को परिणामों की घोषणा की जाएगी। तो बद्रीनाथ विधानसभा में आज थमेगा प्रचार प्रसार। दूरस्थ इलाकों के लिए 17 पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। प्रचार प्रसार थमने के साथ ही साथ चुनाव की तैयारियां भी लगभग पूरी। अलग अलग जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना होने के साथ ही साथ दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेता भी उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। 10 जुलाई को बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट पर होना है मतदान। वहीं 13 जुलाई को शुरू होगी मतगणना। तो बद्रीनाथ विधानसभा में आज थमेगा प्रचार प्रसार। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पोलिंग पार्टियां अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो रही है। मॉनसून के सीजन में अलग अलग जगहों पर पोलिंग पार्टियों के जाने के लिए भी चुनौती बनी हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ चमोली से संवाददाता दीपक शाह जुड़ चुके हैं। जी दीपक, जिस तरह से प्रचार प्रसार आज थमने वाला है उत्तराखंड में दोनों ही सीटों के लिए, साथ ही साथ जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दूरस्थ इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होने से ऐसे में आज शाम 5 बजे से यहाँ पर प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। बात की जाए तो चुनाव की, तो यहाँ पर आज जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो अति दुर्गम वाले क्षेत्र हैं, उनके लिए 17 पोलिंग पार्टियां यहाँ पर बुधवार से रवाना हो चुकी है। बाकी जो 193 पोलिंग पार्टियां हैं वो कल अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, तो अपने अपने केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मॉनसून का सीजन है, उपचुनाव होना है और दूरस्थ इलाकों के लिए जिस तरह से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से तैयारी की गई है? मतदान की बात करते हैं, 10 जुलाई को। जी बिल्कुल दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उपचुनाव के लिए बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर आज थमेगा प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार थमने के साथ ही साथ अलग अलग जगहों के लिए कई पोलिंग पार्टियों को किया गया रवाना। 10 जुलाई को मतदान होना है और उसके बाद 13 तारीख को मतगणना होनी है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव है। ऐसे में ज्योतिर्मठ में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत ने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस आखिरी दांवपेच में लगे हुए हैं। हर कोई अपने प्रत्याशियों को जिताने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। वहीं हरक सिंह रावत ने ज्योतिर्मठ में कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बटोला के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए जमकर लोगों में जोश भरा। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से की गई। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कर्णप्रयाग में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे हरक सिंह रावत। आपको बता दें कि दोनों ही सीटों पर, बद्रीनाथ और मैंगलोर सीट पर, 10 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर पर की जा रही थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस की तरफ से हरक सिंह रावत जनता के बीच कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए निकले थे, जोर शोर से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ बद्रीनाथ में आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। 10 जुलाई को मतदान होना है। एक तरफ पार्टियों की तरफ से पूरी जुगत लगाई गई है, पूरी कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलिंग पार्टियां भी मतदान को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं।
कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में वोट मांगते नजर आए हरक सिंह रावत। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारी भरकम भीड़ के साथ जनता के बीच पहुंचे थे, कांग्रेस को वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। तो कर्णप्रयाग की ये तस्वीरें हैं, कर्णप्रयाग में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत। कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत बुटोला के लिए मांगे हैं वोट। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जोश भरते हुए हरक सिंह रावत नजर आए। उपचुनाव से पहले पूरे जोश में कांग्रेस के तमाम दिग्गज कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता भी। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में जनता एक बार फिर से किसके पक्ष में अपना फैसला सुना। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर टनकपुर से सामने आ रही है, जहां एसडीआरएफ ने देर रात जगपुरा में बाढ़ में फंसे 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। जगपुरा पहुंचते ही टीम ने देखा कि 30 महिला, बच्चे और पुरुष बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे, जिसके बाद टीम ने उन्हें सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया है। मुश्किल हालातों में भी टीम ने सभी को सुरक्षित निकालकर बस के द्वारा रैन बसेरा बनवसा के लिए रवाना किया है। टीम ने दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। वहीं टीम वार्ड नंबर 9 टनकपुर के लिए रवाना हुई, दूसरी टीम बनबसा के जगपुरा में और एक जगह रेस्क्यू कार्य कर रही थी। उत्तराखंड में हरेला प्रकृति के संरक्षण का पारंपरिक पर्व है, हरेला यानी हरियाली, और इस बार यह पर्व 16 जुलाई को है। ऐसे में उत्तराखंड में हरेला पर्व को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। हरेला पर्व पर जनता की सहभागिता बढ़ सके, उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री मधु भट्ट ने कहा है कि हरेला को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाए। इस बार जो हरेला का जो हमारा महापर्व है, वो बहुत ही हम पूरे व्यापक स्तर पे मनाने जा रहे हैं। पूरा उत्तराखंड देवभूमि नहीं, पूरा भारतवर्ष भर की मेरे साथ तो और विभिन्न संगठन जो पर्यावरणविद हैं, जो चिंतन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ऐसे ऐसे समाज सेवी संगठन भी जुड़ गए हैं। और संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में बृहद रूप से हम 16 तारीख से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं, हरियाली जो महोत्सव के रूप में। और एक पेड़, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा एक पेड़ माँ के नाम, हमने कहा एक पेड़ माँ और शिशु के नाम। और क्योंकि वात्सल्य भाव से जो जब माँ बच्चे को पालती है, उसी प्रकार से हमें उस पौधे को, जब हम वृक्षारोपण करेंगे तो हम उस पौधे को पूरी एक जिम्मेदारी लेंगे, पूरे एक वर्ष तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी जिम्मेदारी लेंगे। बहुत सारे विभिन्न संगठन इस मुहिम में हमारे। तो 16 जुलाई को होने वाले हरेला पर्व के लिए देवभूमि में तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। प्राकृतिक पर्व को बड़े जोश के साथ उत्तराखंड में मनाया जाता है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरेला पर्व के माध्यम से बड़ा संदेश जाने की संभावना जताई जा रही है, और इसके लिए विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बद्रीनाथ मैंगलोर विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भाजपा ने दोनों विधानसभाओं में प्रचार प्रसार किया है। आज भी सीएम धामी की बद्रीनाथ विधानसभा में जनसभा हुई, जिसमें उनका कहना है कि आम लोगों का जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, ठीक उसी तरह विधानसभा के उपचुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। तो उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में जहां एक तरफ रोक लग चुकी है, तो वहीं उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि लोकसभा चुनाव की जबरदस्त जीत के बाद विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और विधानसभा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत जनता दिलाएगी।
ये आज जो दो उपचुनाव होते दो जगहों पर, उसका चुनाव प्रचार थम जाएगा और उसके बाद निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रही हूँ, और पूरे भारतीय जनता पार्टी नहीं अपितु बद्रीनाथ के और मंगलोर की जो देवतुल्य हमारी जनता है, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही बटन को दबाएगी और निश्चित तौर पर हमें विजयी बनाएगी। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जनता सुनिश्चित करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। अब देखना ये होगा कि 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों ही अपनी तरफ से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता को किसका साथ पसंद आएगा इसका नतीजा 13 जुलाई को सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही साथ 10 जुलाई को बद्रीनाथ और बैंगलोर सीट पर प्रचार प्रसार थम जाएगा और इसके साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर उल्टी गिनती की शुरुआत हो जाएगी। प्रचार प्रसार से पहले दोनों ही पार्टियां यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। जनता के बीच पहुंचकर दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील जनता से की है। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास जिस तरह से हाई नजर आ रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये रास्ता कठिन साबित हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का पूरी तरह से दावा है कि उपचुनाव की सीट पर कांग्रेस ने जमकर मेहनत की है और इस बार नतीजा उलट सामने आएगा। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर, चमोली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार किया, जनता से अपील की है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, ठीक उसी तरह उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच पहुंचे। ये हम सबकी इच्छा थी, हम सबकी इच्छा थी ना, हमारी इच्छा थी कि नहीं थी भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए? बताइए, इतने सारे प्रधानमंत्री आए, इतनी सरकारें आई, कोई सरकार इस काम को नहीं कर पाई। इस काम को भी अगर किसी ने पूरा किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सीएए का कानून लाकर जो हमारे पड़ोसी देशों में उपेक्षा का शिकार हो रहे थे, तमाम प्रकार से वहां अत्याचार और अनाचार सह रहे थे, उनको भारत में लाकर भारत की नागरिकता देने का काम भी आज किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 3 तलाक का खात्मा किया है। मैं देखता हूं किसी भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं, मुझे खुशी होती है कि हमारी मातृशक्ति मेरी बहन है, उस कार्यक्रम में उनकी संख्या 70% कमी को से कम नहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन लाकर 33% आरक्षण संसद और विधानसभाओं में देने की मंजूरी कर दी है। आज जो ऐसे अनेक काम हो रहे हैं, मैं उनका उल्लेख करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज हम 5वें नंबर पर, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसी प्रकार उत्तराखंड के अंदर भी आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उनके मार्गदर्शन लेकर एक विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने को लेकर कार्य कर रहे हैं। अनेक हमने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, अभी उनके बारे में हमारे कई सारे वक्ताओं ने बोला, लेकिन मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि आज हमारा उत्तराखंड कई क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। आज उत्तराखंड के मॉडल को अनेक राज्य अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य देश का अगर कोई बना है देश की आजादी के बाद, तो वह आपका उत्तराखंड बना है, मेरा उत्तराखंड, हम सबका उत्तराखंड बना है, और ये गौरव हम सबको प्राप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूं
तो ये गौरव मुझे ही प्राप्त नहीं है, ये उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्राप्त है कि उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य हो गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। इसके साथ साथ हमने जो देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के अंदर लागू किया, जिससे युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के खिलवाड़ तरफ लगाम हो रही है। सारी भर्ती परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से हो रही है। अभी मुझे खुशी है, अभी खंडूरी जी मिले थे हमारे यहाँ पर बैठे उनके भाई, तो वो आकर मुझे धन्यवाद कर रहे थे कि जो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार काम करते रहे, आपकी सरकार ऐसे ही काम करते रहे, मोदी जी ऐसे ही काम करते रहे। तो वहीं गोपेश्वर चमोली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर चंपावत उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ क्षेत्र में हुई अत्यधिक वर्षा, इससे हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने, विभागों को आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करने और हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। तो मॉनसून के समय में तमाम कार्यों में तेजी लाने के चलते कुमाऊं कमिश्नर ने समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए। इनमें तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही साथ कार्यों को तेजी से करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के आधे अधूरे काम के चलते लोग आज भी परेशान हैं। अब तक राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी तो पूरी तरह से नहीं बन पाई, ऐसे में अब तक सरकार ने देहरादून और ऋषिकेश के मैग्नेट सिटी के रूप में बनाने की घोषणा कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिश ने कहा है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी के आधे अधूरे कार्य जनता के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं, ठीक उसी तरह से मैग्नेट सिटी भी सिर्फ बीजेपी सरकार का जुमला है, क्योंकि ना तो देहरादून अभी तक स्मार्ट बन पाया है और ना ही आधे अधूरे कार्यों ने इसे स्मार्ट बनाने की बात दिखाई दे रही है। देखिए, देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट सिटी बनाने की बात सरकार ने कही है, लेकिन पहले प्रदेश की जनता को ये तो बताए कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के धन की बर्बादी हुई है उसका क्या नतीजा रहा, कितना देहरादून स्मार्ट बना। और अब तो मानसून के सीजन में एक दिन की बारिश में ही स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई, जगह जगह जल भराव से आम जनमानस को परेशानी हुई है और कहीं से भी देहरादून जो है स्मार्ट नजर नहीं आ रहा। और स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की बात हमेशा विपक्ष उठाता रहा है और भाजपा के ही कई विधायक और यहाँ के मेयर तक इस बात को कह चुके हैं। भाजपा के विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखा भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई किसी को कुछ पता नहीं है कि कितने दोषी अधिकारी इसमें नपे या कार्यदायी संस्था पर क्या कार्रवाई हुई, किसके इशारे पे जो है भ्रष्टाचारियों का बचाने का काम चल रहा है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतने ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।